بسم الله الرحمن الرحيم. Experiment number 3, flow measurements by using the rectangular weights. As you know, the basic formula for calculating the discharge that is equal to Q is equal to area into velocity. This is contracted rectangular weight. Contracted means this length is less than this total width of this channel. This is the width of channel and this is the width of weir. If L is less than B, then it is called as contracted weir. If L is equal to B, then it is called as suppressed weir. And its formula for rectangular weir, Q is equal to 2 divided by 3 multiplied by coefficient of discharge multiplied by square root of 2g multiplied by L multiplied by h ki power 3 by 2, where 2 by 3 is constant and cd is also constant, and g 2 is also constant, g is gravitational acceleration which is also constant, whose value is 9.8 meter per square second. And you have to measure this length L and H. This is your L and this is H. L means the width, or you can say that the length of this weir, and H is the head of water, or you can say that height of water in centimeter or meter. When you measure these two things, L and H, then you can easily calculate the discharge of rectangular weir by using this formula. Here is used CD. CD is the coefficient of discharge. Iski description book ke andar di gayi hai. Just 1 minute. When we measure this discharge, there are two things mainly which involve. These are frictional resistance of the this weir and the actual velocity. Due to the frictional resistance, जो surface की पानी के साथ frictional resistance है, उसकी वजह से हमारे पास जो velocity हम calculate करते हैं, वो उसकी value जो है, वो ज़्यादा होती है, जबकि हकीकत में उसकी value कम होनी चाहिए. वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है. अगर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ना हो तो फिर हमारे पास हम जो वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं दैट विल बी एक्यूरेट, और वो एक्यूरेट ना होने की वजह फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है. और दूसरी चीज़, इसमें जो पानी का फवारा ऊपर से वियर के ऊपर से मूव करता है, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी डिस्चार्ज में जो डिस्चार्ज, चूँकि डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी है, तो ये जो हमारे पास फार्मूला है इसका, ये बेसिकली क्यू इज इक्वल टू ए वी है. इसको फिर आगे फर्दर ड्राइव किया गया है. हर फार्मूला, जितने भी फार्मूलाज हैं, ये सारे के सारे ड्राइव किए गए हैं इस फॉर्म के अंदर. ये डेरिवेशन के बाद आए हैं. बेसिकली ये एरिया इनटू वेलोसिटी है, तो एरिया जो है वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जब वो ऊपर से मूव करता है, वियर के ऊपर से पानी मूव करता है, तो उसकी वजह से हमें वैल्यू करेक्ट करनी पड़ती है. और वेलोसिटी जो है वो एक्चुअल वेलोसिटी जो हम मेजर करते हैं उससे कम होती है, तो ये दो चीज़ें कंसिडर होती हैं. तो एक्चुअल वेलोसिटी बराबर होती है कोफिशेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी के.
जो हम वेलोसिटी मेजर करते हैं उसको हमने सी वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास असल वेलोसिटी आएगी, और जो हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कोफिशेंट ऑफ कंट्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल एरिया आएगा। तो हमारे पास जो कोफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज है सी डी, वो फिर बराबर होता है सी वी इंटू सी सी। सी वी कोफिशेंट ऑफ वेलोसिटी एंड सी सी इज कोफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज, एंड इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0.6 to 0.8। इन मोस्ट ऑफ द केसेस 0.6 वैल्यू इज यूज्ड, और बाज़ औक़ात न्यूमेरिकल में गिवन होता है कि आपने सी डी की वैल्यू इतनी रखनी है, देन यू कैन नॉट चेंज दैट वैल्यू। जो न्यूमेरिकल में गिवन होगी वही आपने यूज करनी है, अगर नहीं गिवन तो फिर आपने 0.6 रखनी है। और ये डिपेंड करता है ये वैल्यू 0.6 से लेकर 0.8 तक क्यों वेरी करती है, क्योंकि ये डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ वियर पर, वो जिस जो वाटर कोर्स के अंदर उस वियर की पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है, एंड द बॉटम ऑफ द वाटर रेजरवायर एंड चैनल, आल्सो द डिग्री ऑफ द रफनेस ऑफ द एजेस ऑफ द वियर्स। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जिस पर ये डिपेंड करता है। अगर तो वैल्यू गिवन है देन इट्स ओके, इफ इट इज नॉट गिवन देन यू कैन यूज द वैल्यू 0.6। तो सी डी कोफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू कोफिशेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय कोफिशेंट ऑफ कंट्रैक्शन। अगेन एक दफा देख लें इसको कि हमारा हम एक्चुअल वेलोसिटी हमारे पास तब आएगी जो हमने वहां से मेजर की है वेलोसिटी, और उसको हम कोफिशेंट ऑफ वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हमारे पास एक्चुअल एरिया तब आएगा जब हमने जो मेजर किया है वहां से एरिया उसको हम सी कोफिशेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। और इस चेंज की वजह मैंने आपको बता दी कि वेलोसिटी के अंदर जो है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह है, और एरिया के अंदर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिस्चार्ज जेट, ये दो चीज़ें इसमें मेनली कंसिडर होती हैं। तो इस फॉर्मूले के ज़रिए जब आपके पास एल भी आ जाएगा, ये आपने एल मेजर कर लेना है इस केस में, चूंकि एल और बी बराबर है तो यही आपका एल होगा, और एच ये वाला है इस वियर के ऊपर जो वाटर की हाइट है, यानी उसको हेड बोलते हैं, वो एच होगा। और ये जो बना हुआ है सिंबल ये शो करता है कि यहाँ तक पानी है, इस लेवल तक, इसका मतलब ये है कि ये पानी यहाँ तक है, ये यहाँ भी बना हुआ है, ये टोटल पानी का कहाँ अपर लेवल तक जहाँ तक पानी है वहाँ पर ये सिंबल शो किया जाता है कि ये पानी पानी को शो करता है बेसिकली, कि ये किसी चैनल के अंदर पानी है। तो इसको आप तीन वैल्यूज लेंगे, ये एग्जांपल दी गई है डेथ ऑफ फ्लो फॉर एग्जांपल, आपने मेजर किया पहली दफ़ा किया तो 0.16 आया, तो वो फार्मूला ऊपर जो दिखाया था वो लगाया तो आपके पास वैल्यू ये आ गई। फिर आपने मेजर किया हेड, तो हेड कह लें हाइट ऑफ वाटर या फिर डेप्थ ऑफ फ्लो, मेनली जो टेक्निकल वर्ड है दैट इज हेड, और फिर सेकेंडली 0.15 के लिए आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास क्यू ये वैल्यू आई। थर्डली 0.17 के साथ जो आपका हेड आया तो उसके साथ ये वैल्यू आई, और यहाँ पर आपकी जो लेंथ ऑफ वियर है वो 1 मीटर है। फिर इन तीनों का एवरेज लेकर हमने एक एवरेज वैल्यू वो कैलकुलेट कर ली। ये है जनरल फार्मूला फॉर रेक्टेंगुलर वियर, और थ्योरी में आपने पढ़ा था ये वाला रेक्टेंगुलर वियर। अगर तो क्वेश्चन के अंदर जनरली बात हो कि एल गिवन हो एच गिवन हो, तो फिर आपने सिर्फ सिंपल ये फॉर्मूला लगाकर आपने क्यू फाइंड करना है। अगर कहीं वो बात करे रेक्टेंगुलर वियर की भी और साथ सुप्रेस्ड इस तरह की वर्डिंग हो, सुप्रेस्ड रेक्टेंगुलर वियर, क्योंकि आपने ये तीन इसमें कितनी किस्मों के ये पढ़े थे ये देखें ज़रा, सुप्रेस्ड वियर की बात करे या कॉन्ट्रैक्टेड वियर की बात करे तो उसके लिए फॉर्मूलाज बदल जाएंगे।
ये देखें, सुप्रेस्ड वियर, रेक्टेंगुलर वियर की बात करें या फ्रांसीसी फार्मूला बोले तो फिर आपने ये वाला यूज़ करना है, वो है जनरल फार्मूला फॉर मैनी टाइप्स ऑफ वियर्स। इसमें सुप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्टेड इस तरह की डिस्टिंक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर वो बाय नेम बताए, फ्रांसीसीज का नाम बोले या सुप्रेस्ड बोले, तो फिर आपने क्यू इज इक्वल टू 0.0184 LH की पावर 3/2 यूज़ करना है। इसमें भी दोनों चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, एल और एच। अगर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस गिवन है, एक साइड से अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो, या फिर दोनों साइडों से है, तो फिर एन इज इक्वल टू या तो 1 होगा या 2 होगा। बिलफर्ज अगर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस गिवन नहीं है तो फिर इसमें ज़रा एन में 0 पुट करके देखें, तो ये वाला इतनी टर्म जो है ये हिस्सा वैसे 0 हो जाएगा, तो यही फार्मूला बचता है बाकी पीछे, ये वाला, ये फार्मूला और ये सेम है। इफ एन इज इक्वल टू 0, इफ एन इज इक्वल टू 1 और एन इज इक्वल टू 2, देन यू हैव टू यूज दिस फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्चार्ज ऑफ वियर, रेक्टेंगुलर वियर दैट विल बी कॉन्ट्रैक्टेड वियर। तो इसमें भी आपको एल और एच दोनों चीजें फाइंड करके आपने, इसमें यहाँ एग्जाम्पल दी गई है, यस इसकी एग्जाम्पल गिवन नहीं है, सिंपल आप वहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। तो नेक्स्ट है फ्लो मेजरमेंट बाय यूजिंग द ट्राई एंगुलर वियर। अब ये आपके पास आ गया ट्राई एंगुलर वियर, इसके अंदर ये फार्मूला है इसका, ये भी बेसिकली वही है, क्यू इज इक्वल टू ए इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो दिस इज 8/15 इंटू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंटू 2 ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्क्वायर रूट इंटू टेंजेंट अल्फा एच की पावर 5/2। तो यहाँ पर आपको 8/15, ये भी कांस्टेंट है, सी डी की वैल्यू अगर गिवन है ठीक, वरना 0.6 यूज़ करेंगे, जी 9.81, यू नो टेंजेंट अल्फा, अल्फा की वैल्यू भी गिवन है 45। आपने सिर्फ एच मेजर करना है, हेड ऑफ वाटर ये वाला बनता है, ये गिवन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पानी की पानी का हेड है ये तकरीबन इतना, ये आपने मेजर करना है, और यू कैन कैलकुलेट द डिस्चार्ज फॉर ट्राई एंगुलर वियर। अब इसके अंदर ये वाला एंगल कितना है ये देखें, ये ज़रा इस ट्राई एंगल को देखें, ये वाली जो ट्राई एंगल बन रही है, तो ये एंगल बन, ये राइट एंगल ट्राई एंगल है, ये है एंगल 90 का, बट ही इज़ यूजिंग हेयर 45। तो इसको बेसिकली किया इस तरह है, ये देखें, ये है वो चीज़ जो वहाँ से ली गई है, राइट एंगल ट्राई एंगल, ट्राई एंगुलर वियर का ये पोर्शन लदा अगर काट लिया जाए बिलफर्ज, तो इसको दरमियान से डिवाइड करें, अगर ये टोटल एंगल थीटा है तो सिर्फ इतना हिस्सा कंसिडर करें, ये वाला फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको उठाकर काट कर यहाँ ले आएँ, इसको बिलफर्ज नाम दे लें ए सी और ओ, तो ये थीटा बाई टू होगा, ये अगर मुकम्मल इतना थीटा है तो ये थीटा बाई टू होगा, और ये वाली जो साइड है वो एच माइनस एच है, इधर देखें ये टोटल हाइट है, और ये इतना यहाँ तक हेड ऑफ वाटर जो है ये छोटा एच, और ये टोटल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बड़ा एच, तो ये जो इतना हिस्सा है इसकी जो ये एच, ये वाली साइड इसकी बड़े एच में से छोटा एच निकालें तो ये होगी, और ये थीटा जो है वो थीटा बाय टू बन जाएगा, अगर सिर्फ इतना हिस्सा जो है इसको कंसिडर करें, तो जितना भी हमारे पास इसका एरिया आएगा उसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल एरिया बन जाएगा। तो ये देखें इसने यहाँ पर ये इसी के जो नाम दिए हुए हैं ए सी ओ, इसको यूज़ करके ये निकाला है इसने एरिया, तो फिर इसको टू से मल्टीप्लाई किया है,
ये हमारे पास एरिया निकला है इतना, 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमने सिर्फ इतने से का निकालना है, दोनों का निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब इसने आगे जब इसको डराइव किया है पूरे फार्मूले को, तो ये देखें 2 जो है वो साथ साथ चल रहा है, लेकिन हमारे फार्मूले में 2 नहीं है क्योंकि ये इधर ही कहीं कंज्यूम हो गया है, किसी कहीं ये सिंप्लीफाई हो गया है। ये देखें 2 ज़रब 4, 4 दुनी 8, तो नीचे डिवाइड बाई 15, ये जब सिंप्लीफाई किया है तो उसके अंदर ही 2 है, तो इसलिए हमने एंगल यहाँ पर 90 नहीं यूज़ करेंगे, हम एंगल जो है 45 यूज़ करेंगे। ये आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है। तो इसमें हमें सिर्फ एच रिक्वायर्ड है, बाकी सारा कुछ गिवन है। इसके अंदर वैल्यूज़ लगाएं तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्चार्ज। तो एक चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है वो यूनिट, यह का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर कोई मसलन के सेंटीमीटर में है तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो फॉर एग्जांपल पहली दफ़ा एच हमारे पास हेड ऑफ वाटर 0.36 है, उसके साथ वो फार्मूला लगाकर कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास 0.0095 क्यूबिक मीटर पर सेकंड वैल्यू आई। सेकंड टाइम 0.35 है तो फिर इससे ये आई, थर्ड टाइम 0.37 से ये आई, फिर हमने इन तीनों का एवरेज लेकर जो डिस्चार्ज फाइंड किया तो हमारे पास 0.0095 क्यूबिक मीटर पर सेकंड आया। थर्ड वन है ट्रेपेज़ॉइडल चैनल। तो आपको पता है कि ट्रेपेज़ॉइडल चैनल की शेप जो है किस तरह की होती है, ये इस तरह की ट्रेपेज़ॉइडल चैनल की शेप होती है। और थ्योरी के लेक्चर में भी बताया था कि इन दोनों शेप्स को अगर हम ऐड करें तो ये बनती है। ये अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कट लगाएं और यहाँ पर कट लगाएं तो ये रेक्टेंगुलर बन गया पहले वाला, और ये जो साइड बची थी और ये साइड जो बची थी इन दोनों को मिलाएं तो हमारे पास ट्राइंगुलर बन गया। यानी कि दोनों को फार्मूलाज को हम ऐड करें तो हमारे पास इसका फार्मूला बन जाएगा। उसको आपको लहदा से याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दोनों को ऐड कर दें तो ये वही फार्मूलाज हैं जो पीछे आपने पढ़े हैं, दरमियान में प्लस और ये बाकी सारी चीज़ें वही हैं। सिर्फ आपको इसमें भी 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, गिवन हैं एल और एच, ये दोनों आपने मैयर करने हैं इसमें भी। और जब आपके पास विलफर्ज लेंथ 1 मीटर है और एंगल वही 45, तो हेड जो आपने फर्स्ट टाइम मेजर किया 0.36 आया तो उसके साथ वैल्यू कैलकुलेट करें क्यू की, ये फार्मूला लगाकर तो 0.1009 क्यूबिक मीटर पर सेकंड आएगा। और सेकंड टाइम जब आपने हेड मेजर किया उसकी वैल्यू 0.35 आई। तो इस फार्मूले में इसको पुट करके एल तो कांस्टेंट रख लिया इधर भी 1 मीटर, तो ज़ाहिर बात है ये बार बार चेंज भी नहीं होगा। तो ये 0.0923 इसकी वैल्यू आएगी। फिर तीसरी मरतबा 0.37 आया। ये ज़रूरी नहीं है कि ये चेंज हो, ये एक जैसा भी हो सकता है, ये पानी की वेरिएशन पे डिपेंड करता है। तो ये इतनी वैल्यू आई, फिर इसका आपने सिंपली एवरेज ले लिया तो आपके पास 0.1011 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड ये आ गया। तो ये था रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर और ट्रेपेज़ॉइडल। इसी के अंदर जो हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिकल में नहीं लेकिन लेक्चर में आपने पढ़े हैं कॉन्ट्रैक्टेड और सुप्रेस्ड, और इसके अलावा कौन से पढ़े हैं, ये सुप्रेस्ड भी हो गया, कॉन्ट्रैक्टेड भी हो गया जिसमें फ्रांसिसिस फार्मूला यूज़ हुआ था, ये हैं शार्प क्रेस्टेड वियर और ब्रॉड क्रेस्टेड वियर। इसके मुझे कहीं भी ना बुक में कहीं भी इसके फार्मूलाज नहीं मिले। तो दिस इज़ योर, इन दिस वीडियो देर आर थ्री प्रैक्टिकल्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।